students, how are you? Now today we will continue chapter number 4, parts and whole. इसमें हम क्या देखें? इसी वीडियो में हमने आपको addition, subtraction बताया था fraction का, और उसमें simplify करना है, मतलब add भी करना है, minus भी करना है, या minus और add दोनों करने हैं. जैसे question number 1 है, 2 sin 2 upon 3 plus 3 sin 1 upon 6 minus 1 sin 1 upon 4. यानी कि इसमें plus भी है और minus भी. अब क्या करेंगे आप? पहले सिंपल किसको बनाने के 3 2 जा 6 3 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आपने 3 2 जा 6 और ये जो 2 है ये इसमें ऐड करेंगे कितना हो गया ये 8 आ गया 8 8 अपॉन 3 उसके बाद अब इसको सिंपल बनाएंगे 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 और ये 1 इसमें ऐड कर दीजिए कितना हो गया 19 अपॉन 6 ठीक है नेक्स्ट माइनस आ गया ये 4 1 जा 4 और 1 इसमें ऐड करा कितना हो गया 5 अपॉन 4 अब इसको सिंपलीफाई इसको सॉल्व करना है इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और इसे माइनस कर दीजिएगा लेकिन ऐसे नहीं करना क्योंकि इसमें जो नीचे के डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट है पहले इनको एक जैसा डिनोमिनेटर करना यानी कि तीनों के बराबर इक्वल डिफरेंट होने चाहिए एक जैसे डिनोमिनेटर होने चाहिए उसके लिए आप क्या करेंगे 3 6 और 4 का एलसीएम लीजिएगा देखिए ये 3 6 और 4 पहले सबसे छोटे डिजिट से आप डिवाइड करना शुरू कीजिए 3 नहीं आता तो बेटे और 2 की जगह 6 2 2 का 4 अब 2 से कीजिएगा 3 3 2 हो गया अब 3 से कीजिएगा 3 हो गया 3 3 हो गया 3 हो गया इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 2 6 हो गया 12 एलसीएम क्या आ गया 12 यानी कि नीचे तीन इसमें इनमें तीनों में डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए क्या होना चाहिए 12 उसके लिए क्या करेंगे आप जो एलसीएम आया आपका ये 12 आपका एलसीएम आया है ना इसको डिवाइड करना है 1 बाय 1 पहले इसके डिनोमिनेटर देखिए क्या है 3 पहले इसके डिनोमिनेटर से 12 को डिवाइड कीजिएगा जब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 क्या आ गया 4 आ गया यानी कि 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कीजिएगा और 4 की मल्टीप्लाई से नीचे कीजिएगा देखिए 8 में 4 की मल्टीप्लाई करी 3 में 4 की मल्टीप्लाई करी ठीक है उसके बाद अब फिर दोबारा देखिए एलसीएम 12 भी है ना सेकंड फ्रैक्शन में डिजिट वो क्या है डिनोमिनेटर 6 अब आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे जब 6 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6 टू द 12 यानी कि 12 की मल्टीप्लाई 6 टू द 12 यानी कि 2 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी है 2 की नीचे करनी है 19 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 अब देखिए नेक्स्ट नीचे क्या है डिनोमिनेटर 4 अब 4 से डिवाइड करना है आपको 12 को यानी कि हर बार डिवाइड तो 12 को करना है पहले इसके डिनोमिनेटर से किया फिर इसके डिनोमिनेटर से किया अब इस डिनोमिनेटर से किया 4 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 3 जा 12 अब क्या आ गया 3 अब 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करो 3 की नीचे करो यानी कि 5 3 जा 15 4 3 जा 12 अब देखिए 8 4 जा 32 और 3 4 जा 12 हो गया 32 अपॉन 12 19 2 जा 38 6 2 जा 12 38 अपॉन 12 माइनस 5 3 जा 15 4 3 जा 12 15 अपॉन 12 यानी कि नीचे तीनों डिनोमिनेटर 12 हो गए कि नहीं हो गए अब क्या करना है देखिए 32 प्लस 38 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 12 लिख लिया आपने 12 तीनों में कॉमन है नीचे एक ही डिनोमिनेटर लिख लिया 12 पहले यानी दोनों को जोड़ेगा 32 प्लस 38 कितना हो गया 70 माइनस उसमें से कीजिएगा 15 डिवाइडेड बाय 12 अब 70 में से 15 माइनस कीजिए कितना आया 55 अपॉन 12 हो गया अब 12 से 55 को डिवाइड कीजिएगा 12 4 जा 48 नीचे कितने 7 होल नंबर कितना हो गया 4 यहां गया 4 जो आपका रिमाइंडर आया जैसे जैसे सेवन डिवीजन क्या होगा 12 4 से 7 अपॉन 12 ये इसका आंसर होगा ठीक है इसी तरीके से करना है एक और क्वेश्चन आपको बता दूं डी पार्ट 20 माइनस 4 से 1 अपॉन 5 माइनस 6 से 3 अपॉन 10 इसको सॉल्व करना है अब देखिए 20 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है ना तो आपने क्या किया 20 के नीचे आपने सीधा 1 लिख दिया 20 अपॉन 1 माइनस 5 4 का 20 और प्लस इसमें 1 ऐड कर 21 अपॉन 5 माइनस 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया 10 6 का 60 और प्लस इसमें 3 ऐड कर दिया 63 अपॉन 10 हो गया सिंपल बन गया सर अब सबके डिनोमिनेटर अलग-अलग है ना इसका 1 है इसका 5 है इसका 10 है अब इसका 1 कहां से आया किसी भी डिजिट के नीचे अगर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम उसके नीचे 1 लिख देते हैं ठीक अभी हो गया 20 अपॉन 1 माइनस 21 अपॉन 5 माइनस 63 अपॉन 10 अब इसका एलसीएम लीजिएगा 1 5 और 10 का 2 से करो 5 से कर दीजिए
5 को 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाता है आगे टेन, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर 10 ही होगी। अब क्या कीजिए, पहले इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कीजिए, क्या आ गया 10 आ जाएगा, पर 10 जा 10, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर कीजिएगा 10 की नीचे कीजिएगा, कितनी पड़ेगी मल्टीप्लाई 10 / 1 / 10 हो गया माइनस। अब इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड कीजिएगा, 5 से इसको डिवाइड करो क्या आ गया 2, 5 2 जा 10, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करो 2 की नीचे करो 21 / 2 / 5 / 2 हो गया माइनस, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 1, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करो 1 की नीचे करो, वो जाएगा 20 10 जा 200, 200 / 10 10 / 10 माइनस, 21 2 जा 42 और 5 2 जा 10 हो गया 42 / 10 माइनस, 63 1 जा 63 और 10 / 10 हो गया नीचे सबका डिनोमिनेटर 10 हो गया ना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 200 माइनस 42 माइनस 63 अपॉन 10, पहले 200 में से 42 माइनस करो क्या आ गया 158, फिर माइनस 63 अपॉन 10, अब 158 में से 63 घटाओ तो क्या आ गया 95 अपॉन 10। अब 10 से जब आप 95 को डिवाइड करोगे 10 9 जा 90 बचे 5, क्या आ जाएगा 95 अपॉन 10, फोन नंबर ये होगा, रिमाइंडर होगा, रिवीजर होगा। अब देखिए ये 5 और 10 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, कट जाते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये होगा 91 अपॉन 2। अगर ये वाली टिकट एक ही टेबल में आती है तो हम इनको और शॉर्ट कर देते हैं, इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं, नहीं आती तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये 5 1 जा 1 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 91 अपॉन 2। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए इस तरीके से, इस वीडियो को देखो समझो अच्छे तरीके से, सिंपलीफाई क्वेश्चन है और दो चार क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में बना के भेजूंगा, उनको अपने नोटबुक पे करना, बिल्कुल साफ सफाई से करना काम, कोई दिक्कत परेशानी आप मेरे फोन नंबर पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच के भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।